Audio Jungle. Audio Jungle. टेक्निकल गाइड प्रो में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलास्टिक आईपी एक्सचेंज में ट्रंक्स को कैसे रजिस्टर किया जाता है। मेरी पहले जो पिछली इलास्टिक की वीडियो थी उसके ऊपर एक भाई ने कमेंट किया है कि यार मैंने ट्रंक रजिस्टर करनी है अपने एक्सचेंज पे, तो मुझे बताएं कि ट्रंक कैसे रजिस्टर करते हैं। तो मैं उसके लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि जो इलास्टिक के अंदर ट्रंक बनाई जाती है, फर्ज किया कि आपके पास किसी भी एक दूसरी एक्सचेंज का ट्रंक यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है, तो उसको हम अपनी एक्सचेंज में आउटगोइंग कॉल के लिए कैसे उसको रजिस्टर करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता चलता हूँ। सबसे पहले आपको ये फाइल दिखाता हूँ। इसमें देखें ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमें ट्रंक रजिस्टर करने के लिए चाहिए होता है। इसमें से कुछ चीजें जरूरी हैं और कुछ जरूरी नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या जरूरी है क्या क्या नहीं जरूरी। तो सबसे पहले हम चलते हैं PBX के अंदर, यहाँ पे ट्रंक्स में जाएंगे। देखिए मेरे पास ऑलरेडी दाढ़ी की भी ट्रंक्स बनी हुई है और सिप ट्रंक भी बनी हुई है। तो जो दाढ़ी की ट्रंक है ना, ये तो सिर्फ उस लिए होती है जो बीच में आप हार्डवेयर कार्ड लगाते हैं ना, ये ट्रंक उसमें यूज की जाती है। और जो सिप ट्रंक होती है ना, ये ट्रंक आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में भी यूज कर सकते हैं। ये वाली ट्रंक आप यूज कर सकते हैं अपनी एक्सचेंज से किसी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि पाकिस्तान में PTCL है, वो सिप तो अभी नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह मजीद ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं दुनिया में जो आपको प्रोवाइड करते हैं सिप एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। आप उसके साथ रजिस्टर होते हैं और आउटगोइंग कॉल करते हैं आप उसके ऊपर से। मजीद आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी किस्म का भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलें आगे चलते हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ट्रंक्स कैसे रजिस्टर की जाती है। जैसे कि ये देखें कि मैंने ट्रंक पे क्लिक किया है, मेरी सारी ट्रंक्स यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं साइड पे। अब हम करते हैं ऐड सिप ट्रंक, यहाँ से हम सिप ट्रंक ऐड करेंगे। सिप ट्रंक का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, किस साइड से किस साइड तक है आप वहां पे नाम दे दें। जैसे कि मैं दे देता हूं साइट 1 टू साइट 2, ऐसे कोई भी नाम दे दें इसको। फिर मैक्सिमम चैनल आते हैं यहाँ पे, ये देखें चैनल का ऑप्शन है। इसमें आप जितने चैनल लिखेंगे, अगर तो आपकी डिजिटल लाइन है इस ट्रंक में, तो फिर तो आप इसमें लिख सकते हैं जी 4 कर सकें, 5 कर सकें, 6 कर सकें, जितना आप यहाँ पे लिखेंगे उतने लोग कॉल कर सकेंगे, उससे ज्यादा लोग इस ट्रंक को इकट्ठा नहीं ले सकते। हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 यूजर जो है ना वो इकट्ठी इसी लाइन से आउटगोइंग कर सकते हैं। अगर वो एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज की कॉल है ना, आपने ऐसी ट्रंक बनाई है जो आपकी एक इलास्टिक एक्सचेंज से दूसरी इलास्टिक एक्सचेंज को आपस में जोड़ती है, तो अब एक साइड के जो 2 यूजर हैं वो दूसरी साइड पे इकट्ठे कॉल कर सकेंगे, तीसरा कॉल करेगा तो उसे लाइन इंगेज मिलेगी। यहाँ पे हम इस तरह 2, 4, 6, 1, 2, 3 कोई भी नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो उस हिसाब से वो कर लेंगे। ये जो डिसेबल ट्रंक का ऑप्शन है ना, ये डिसेबल नहीं होना चाहिए, ये अनचेक होना चाहिए। अगर ये चेक हुआ तो आपकी ये ट्रंक काम नहीं करेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रंक का नाम देना है। ट्रंक का नाम बेसिकली आप ये जो ऊपर दिया हुआ ना, यही वाला बेशक कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपके पास देखें ये पीयर डिटेल आ रही है। पीयर डिटेल में आपके पास ये 4 चीजें आ रही हैं। अब इन 4 चीजों को आपने लाजमी यहां देना, तब आप आउटगोइंग कॉल कर सकते हैं। देखिए आउटगोइंग सेटिंग है ना, होस्ट से क्या मुराद होता है। अब जैसे कि वो जो भाई मुझे कह रहे थे कि मुझे बता दे मेरे पास यूजर नेम और मेरे पास पासवर्ड है तो मैं ट्रंक को कैसे रजिस्टर करूं, तो उनके लिए स्पेशल ये बात कर रहा हूं कि आपके पास जो यूजर नेम और पासवर्ड है, खाली आप यूजर नेम और पासवर्ड को कुछ नहीं कर सकते, आपके पास होस्ट होना वो जरूरी है। अगर आपके पास होस्ट नहीं है, आपके पास कोई, अगर फर्ज किया कि आपकी कोई FXO डिवाइस है जो कि एनालॉग लाइनों को IP में कन्वर्ट करती हैं, अगर आपके पास FXO है तो FXO का जो IP है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास कोई मजीद इलास्टिक एक्सचेंज है, फर्ज किया एक एक साइड पे लगी, एक दूसरी साइड पे लगी, आप दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस होस्ट IP को आप दूसरे एंड की जो एक्सचेंज है ना उसका IP एड्रेस यहाँ लिखेंगे। फर्ज किया कि मेरी एक्सचेंज का IP यहाँ पे 9 है,
ये देखिए 172.21.123.9, ये अगर मेरी एक्सचेंज का, और जो दूसरे एंड पे एक्सचेंज है ना उसका जो आईपी एड्रेस है आपका, वो फर्ज किया कि आपके पास आता है जी 10 है, हम सेम नेटवर्क अज्यूम कर लेते हैं जी, एक कमरे में एक एक्सचेंज है दूसरे कमरे में दूसरी एक्सचेंज है, तो एक का आईपी 9 है एक का आईपी 10 है, तो यहां पे हम उसको रजिस्टर करने के लिए यहां पे हम उसका आईपी लिखेंगे 123. और अगर तो आपने उस एक्सचेंज में यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है उसको रजिस्टर करने के लिए, तो फिर आपने यहाँ पे वही यूजर नेम देना है, जैसे कि यूजर नेम लिखा हुआ है कोई भी 1000 यूजर नेम लिखा हुआ है, और जो वहां पे आपने जिसको हम पासवर्ड बोलते हैं वो पासवर्ड बेसिकली सीक्रेट कहलाता है, एक्सचेंज की सेटिंग करें तो वहां पे आपको सीक्रेट मिलेगा, पासवर्ड के नाम से नहीं मिलेगा। तो हमने वहां पे ट्रंक जब बनाई थी उसको, जब यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं तो हम उसको 1 2 3 4 जो पासवर्ड उसको वहां दिया वही यहाँ सीक्रेट देना पड़ेगा, वही पासवर्ड है। टाइप को आप पियर रहने दें, इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अब ये जो ट्रंक है ना आपके पास, ये ट्रंक बन गया जी, दो यूजर कॉल कर सकते हैं, इसका नाम है ठीक है, ये आउटगोइंग सेटिंग में ट्रंक का नाम, और ये उसका यूजर नेम पासवर्ड और होस्ट आ गया यहाँ पे। अगर आपके पास सर्विस प्रोवाइडर से दी गई लाइन है आपके पास, तो फिर आपके पास ये वाला आईपी एड्रेस नहीं होगा, इसकी जगह या तो आपके पास कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे ABC में टेम्परेरी है, मैं वेबसाइट लिख रहा हूँ .com.pk, तो इस तरह होस्ट नेम हो सकता है इस तरह। अगर ये भी नहीं दिया गया तो फिर उसके अलावा आपको दिया जाएगा रजिस्टर स्ट्रिंग, आपको दिया जाएगा ये, आपको दिया जाएगा वो पूरा यहाँ पे आपने लिखना है, उसकी एग्जाम्पल ये लिखी हुई है, यूजर नेम कॉलन पासवर्ड, फिर उसके बाद @, फिर switch.voipprovider.com, जो भी voip का प्रोवाइडर है वो आपको ये देगा, आपने वो यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, और उसका यूजर नेम पासवर्ड जो भी यहाँ पे देगा वो आपने यहाँ पे लगा देना है। ये तो होगी बेसिक सेटिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप यहाँ पे होस्ट नेम लिखें यूजर नेम पासवर्ड लिखें तो आपका काम हो जाएगा, उससे आपकी ट्रंक चलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे कि अभी ट्रंक बन गया हमारे पास सेव होगी, इतनी सेटिंग है, इससे ज्यादा सेटिंग नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे आउटगोइंग कॉल के लिए करना है, क्योंकि हमने सेटिंग आउटगोइंग की किया है, इनकमिंग की नहीं की। ये इनकमिंग की जो सेटिंग है, जब आप ये लेते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, VOIP सर्विस प्रोवाइडर से आप लेते हैं, आपको रजिस्टर स्ट्रिंग देता है ना, उसके साथ साथ आपको ये यूजर डिटेल भी देता है, आपको इनकमिंग के लिए वो जो यूजर डिटेल है वो भी वो आपको दे देता है, वो भी आपने यहाँ डालनी होती है। चलिए अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो अगर ट्रंक आपके ऐसे बन गया है, उसके बाद हम जाएंगे ऑपरेटर पैनल में, अभी हमने ये बनाई है ना, ये ट्रंक आपको वो ऑरेंज कलर की तब शो करेगा, जैसे कि ये ऑरेंज आ रहे हैं, ये लाइट ऑरेंज और ये डार्क ऑरेंज आ रहे हैं, वो तब आपको डार्क ऑरेंज शो करेगा जब दोनों साइड की एक्सचेंज एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होंगी, तब जाके ये ग्रीन होगा। जैसे कि अभी ये मेरी साइट है, ये अभी बंद हुई हुई है, अगर ये चल रही होती तो ये आपको ग्रीन नजर आ रहा होता है यहाँ से। फर्ज किया कि ये वाली अवाया की एक्सचेंज है, ये जो आप देख रहे हैं जिस जगह मैं माउस लेके गया हूँ, ये जगह, ये वाली जो ट्रंक है ना, ये अवाया की है, अवाया का जो आईपी ऑफिस आता है ना, आईपी एक्सचेंज, आईपी पीबीएक्स, ये उसके साथ ये ट्रंक बनी हुई है, तो ये ट्रंक ऑरेंज नहीं होती, चलती है फिर भी चलती है लेकिन ऑरेंज नहीं होती, क्योंकि वो कंपेटेबल नहीं है आपस में, वो इसको ऐसा डाटा नहीं देती कि इसे पता चल जाए कि ऑनलाइन है, यहाँ पे ऑफलाइन ही शो हो रही होती है लेकिन फिर भी कॉल चली जाती है। चले अभी हम आउटगोइंग सेटिंग बताता हूँ आपको, मैं आउटगोइंग सेटिंग कैसे करते हैं। पीबीएक्स कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे आउटबाउंड रूट में जाएंगे, आउटबाउंड रूट में देखें आपके पास ये रूट बने हुए हैं, मेरे पास जो ऑलरेडी पहले से रूट बने हुए हैं मैं आपको वो ही दिखा देता हूँ साथ के, वो कैसे करते हैं। जैसे कि ये मैं अपना एक खोल लेता हूँ आउटबाउंड रूट, ये भी सिप ट्रंक के थ्रू ही बना हुआ है, इसका एक नाम दे देंगे कौन सी साइड से कौन सी साइड की तरफ है। उसके बाद मजीद आगे चलेंगे, हम ये सारी चीजें छोड़ देंगे, इनकी हमें जरूरत नहीं है, ये म्यूजिक ऑन होल्ड, ये मतलब मजीद एक्स्ट्रा सेटिंग है, इसके बगैर भी काम हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती इसकी।
इसका जो डायल पैटर्न है, हम इसको डायल पैटर्न देते हैं कि कैसे इस ट्रंक के ऊपर कॉल जाए। कोई भी एक आपने कोड रख देना, जो प्रीफिक्स रख देना कि हर नंबर से पहले आपने ये प्रीफिक्स मिलाना ही मिलाना है। ये एक्सचेंज से एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, जब भी 97 मिलाएंगे तो यहाँ पे हम एक्स 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 इसलिए लिख रहे हैं कि हमें पता है कि दूसरी साइट के ऊपर जो एक्सटेंशन नंबर है ना हमारे, वो 3 डिजिट के हैं। तो हमने क्या कर दिया, 97XXX। इसके बाद ये देखें, ट्रंक ट्रंक सीक्वेंस फॉर मैच्ड रूट, यहां पे हमने इसको ट्रंक देनी है कि ये वाला रूट जो है ना, जो भी बंदा ये डायल करे वो इस ट्रंक पे कैसे जाएगा। यहां से हम इसको खोलेंगे, यहां देखिए हमारी वो सारी ट्रंक शो हो रही हैं, जो भी हमने ट्रंक बनाई है हम उस ट्रंक के ऊपर जाएंगे। जैसे कि अभी ये ट्रंक थी हमारी, इस ट्रंक पे जाए, जब भी 97 कोई भी यूजर डायल करे वो इस ट्रंक पे चला जाए, और आगे 3 डिजिट की एक्सटेंशन उसे डायल करनी होगी। अगर 3 से ज्यादा डायल करता है तो आगे से कंप्यूटर का एरर आ जाएगा। इसको हम सबमिट चेंज कर देंगे तो हमारा ये रूट बन जाएगा। उसके बाद हम नंबर डायल करेंगे 97 करके, उस अपनी दूसरी साइट के 3 डिजिट का जब हम नंबर डायल करेंगे तो वो बड़ा आसानी से नंबर डायल हो जाएगा, और दूसरी साइट पे आपकी CLI भी आएगी, जो आपका नंबर है वो भी वहां पे चला जाएगा आगे। बिल्कुल सेम मेथड आपका अवाया के साथ भी है। अवाया एक्सचेंज के लिए ट्रंक कैसे रजिस्टर की जाती है वो भी मैं अवाया की भी आपको ट्रंक दिखा देता हूँ। दोबारा हम ट्रंक्स में चलते हैं। ये अवाया के लिए ट्रंक बनी हुई है, इसमें भी उसी तरह नाम लिखा है हमने, चैनल 8 रखे हुए हैं जी, 8 से ज्यादा का बंदे कॉल ना कर सकें। यहाँ पे डायल पैटर्न नहीं डालना किसी का भी। अब देखें यहाँ पे मेरे पास हमने जो ट्रंक बनाई हुई है ना अवाया और इलास्टिक्स के दरमियान में, उसके ऊपर हमने कोई पासवर्ड सीक्रेट नहीं रखा हुआ, ना यूजर नेम रखा हुआ है। होस्ट होस्ट है, ये दूसरे एंड का आईपी है, ठीक है, जहां पे अवाया एक्सचेंज है अवाया का आईपी है, ठीक है। टाइप फ्रेंड डिस अलाउ ऑल, जितने भी कोडक है ना, जो ऑडियो कोडक इसमें यूज होते हैं वो डिस अलाउ कर दिए हमने, सारे पहले बंद कर दिए। फिर उसके बाद ये तब करते हैं ना जब आपने कोई एक कोडेक जो है वो अलाउ करना होता है, जैसे कि मैं G729 इसको अलाउ करता हूं, तो फिर मैं ये पैटर्न रखूंगा, डिस अलाउ ऑल करूंगा पहले, फिर मैं इसको कर दूंगा अलाउ G729। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, सारे के सारे ही अलाउ होते रहे, चलते रहे सारे कोडेक, जो भी जिसको सपोर्टेड हो वो चल जाए खुद ही, तो हम इसको ऑल कर देंगे। ये इतनी ही सेटिंग है इसकी। अब इसमें क्या होता है कि फिर इसके लिए हमें आउटबाउंड रूट बनाना पड़ता है। हम एक ट्रंक बना देते हैं इसके साथ, ये आईपी है, ये होस्ट है, हमें जरूरी होता है होस्ट बनाना, क्योंकि हमने अपनी एक्सचेंज को रास्ता बताना होता है कि तुमने जाना किस साइड पे है। इसको हम सेव करेंगे, अभी मैं सेव नहीं कर रहा लेकिन मेरे पास सेव हुआ हुआ है। फिर हम आउटबाउंड रूट में जाएंगे, आउटबाउंड रूट में जाके अवाया एक्सचेंज के लिए हम एक ट्रंक बनाएंगे, जैसे कि ये ट्रंक बनी हुई है उसके लिए। अब इस ट्रंक में देखें डायल पैटर्न मुख्तलिफ हैं, ये भी डायल करें ये भी डायल करें। अब इनके साथ प्रीपेंड ये जाए आगे, मतलब अगर वो बंदा ये डायल करता है तो जो नंबर आगे जाता है इससे तो उसको रास्ता पता चलेगा, ये उसने साथ लेके जाना है। 91 से रास्ता पता चल गया, 91 उसने जो नंबर डायल किया उसके साथ लेके जाना है। अगर वो नंबर डायल करता है 91 1 2 3 4, तो जो अगली एक्सचेंज पे नंबर जाएगा ना वो ये 91 साथ लेके जाएगा। अब जैसे पहला इसमें वो साथ प्रीपेंड उसको नहीं मिला, प्रीपेंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो वो 90 डायल करेगा, और 1 2 3 डायल अगर करता है ना तो अगली एक्सचेंज पे सिर्फ 1 2 3 जाएगा, 90 नहीं जाएगा। ये आपको रास्ता बताने के लिए, एक्सचेंज को रास्ता बताने के लिए ये नंबर है, और ये वाला जो नंबर है यहाँ पे प्रीपेंड ये साथ जाता है नंबर के, ऑटोमेटिकली साथ चला जाता है। ये सारे डायल पैटर्न बन गए। उसके बाद हमने इसको देखें वही वाली ट्रंक दी है जो हमने बनाई थी अवाया के साथ। अब जो भी बंदा ये नंबर डायल करेगा वो ऑटोमेटिकली इस ट्रंक के ऊपर चला जाएगा। और अगर इसी तरह सेम ट्रंक के लिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आउटगोइंग कॉल है, तो एक एक्सचेंज से एक्सचेंज होगी, फिर उस एक्सचेंज से आगे आउटगोइंग कॉल कैसे करते हैं। ये आ गया, मैं ये आउटगोइंग वाला खोल लेता हूँ। इसमें देखें ये आउटगोइंग नंबर की डिटेल्स बनी हुई है। कोई बंदा
देखें, कोई कोड डायल किए बगैर अगर ये नंबर डायल करता है जो इससे मैच होता है, 02 पहले डायल करता है, उसके बाद ये डिजिट पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो कॉल वो 789 लेके जाएगा यहां से नंबर, और वो कॉल इसी ट्रंक के ऊपर चली जाएगी जो अवाया की है, क्योंकि अवाया के अंदर हमारी आउटगोइंग लाइंस काफी हैं, तो हम यहां से कॉल आउटगोइंग भी अवाया के थ्रू करते हैं। ये जो पैटर्न है 89 का, ये अवाया के लिए, वहां से आउटगोइंग करने के लिए, तो हम यहां से डायरेक्ट नंबर डायल करते हैं, 89 खुद साथ चला जाता है उसके। इसी तरह डॉट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी नंबर डायल करें, कोई भी 88 हम डायल करेंगे और उसके आगे अगर कोई भी नंबर डायल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इस ट्रंक से आगे चला जाएगा, और कोई भी नंबर जो डायल करेंगे इसके साथ भी ऑटोमेटिकली ये वाला जो 88 है ना, ये वाला इसके साथ लाजमी चला जाएगा। ठीक है, ये फर्ज किया कि हम कोई नंबर मिलाते हैं 03335, ये एक नंबर मैंने डायल कर दिया, अब इस नंबर के साथ ऑटोमेटिकली 88 भी चला जाएगा और फिर अगली एक्सचेंज में आउट हो जाएगी कॉल इससे इस इसके जरिए, क्योंकि अगली एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है कि नंबर से पहले 88 होना चाहिए। उसके बाद ये आपको एक कॉलर आईडी का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये कॉलर आईडी इसलिए होती है कि फर्ज किया आप चाहते हैं कि कौन बंदा आउट गोइंग कर सके कौन बंदा ना कर सके, तो फर्ज किया कि एक बंदे की एक्सटेंशन है 610, आप यहाँ लिखेंगे। अब ये वाला जो पैटर्न है ना, सिर्फ 610 वाला यूज कर सकता है, 610 के अलावा कोई बंदा ये पैटर्न यूज नहीं कर सकता। अगर इसको खाली छोड़ देंगे तो हर बंदा ये पैटर्न यूज कर सकेगा, ये तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। अब ये चीज है कि अगर पहली बात तो ये कंफर्म हो गई है कि खाली यूजर नेम और पासवर्ड होने से आप रजिस्टर नहीं कर सकते ट्रंक, उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको होस्ट चाहिए होगा, उसका होस्ट आईपी एड्रेस चाहिए होगा, और सबसे बड़ी बात आप अगर आपके पास वो होस्ट है तो वो आपकी एक्सचेंज जो है ना उस होस्ट को पिंग भी कर सकती हो। खाली आपके पास आईपी भी आ गया लेकिन आपकी एक्सचेंज उसको पिंग नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर रास्ता राउटर नहीं है दरमियान में, आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई ऐसी कि वो दोनों आपस में एक नेटवर्क पे आ जाए, फर्ज किया उसका आईपी डिफरेंट है बिल्कुल आपके नेटवर्क से डिफरेंट है, तो फिर तो आप उसको पिंग नहीं कर सकेंगे। हाँ, दोनों इंटरनेट पे, वो भी इंटरनेट पे, आप भी इंटरनेट पे हैं, आप दोनों के लिए एक वीपीएन क्रिएट करेंगे, वीपीएन के थ्रू दोनों को आपस में पिंग करवाएंगे आप, आपको राउटिंग भी करनी पड़ सकती है उसके अंदर। उसके बाद आप इसका पिंग चेक करेंगे कि पिंग करता भी है कि नहीं करता। पिंग चेक करने के लिए आपको पुटी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, मैं आपको दिखाता हूँ पुटी सॉफ्टवेयर। इसमें से आपने एसएसएच करना है अपनी एक्सचेंज को, जो आपकी एक्सचेंज लगी हुई है इलास्टिक्स की, जैसे मेरी एक्सचेंज 9 है, इसको मैं 9 लिख के यहाँ पे ओपन करूंगा। ये पुटी सॉफ्टवेयर आपको नेट से बड़े आराम से मिल जाता है, ये देखिए लॉग इन एज आ गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे रूट, रूट लॉग इन करना है अपनी एक्सचेंज का, इंटर करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा उसका, जो डिफॉल्ट इसका पासवर्ड होता है वो 6 टाइम 1 होता है, मतलब 1 को 6 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6, इंटर करेंगे ये देखिए खुल गया, ये आपकी एक्सचेंज आ गई आपके सामने, ये उसका आईपी एड्रेस भी आ गया है जो आप वेब एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पिंग, और जो आईपी एड्रेस आपकी दूसरी एक्सचेंज के आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, आप उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या आपकी एक्सचेंज उस आईपी को पिंग कर ली है, तो मैं अपनी दूसरी एक्सचेंज का डालता हूँ, ये दूसरी एक्सचेंज है जो अवाया की एक्सचेंज है, वो हमसे काफी दूर है, वो दूसरे शहर में है, लेकिन हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है उसके लिए, हमने वी सेट लिंक लगाया हुआ है जो इसको पिंग कर रहे हैं, जिसके जरिए हम देखें, ये देखें पिंग 552 मिली सेकेंड पे हमें पिंग वापस मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रंक मेरी रजिस्टर हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा भी पिंग करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो दूसरी ट्रंक है, जैसे कि जो इलास्टिक्स से इलास्टिक्स बनी हुई है, इस इन दो एक्सचेंज का आपस में डिस्टेंस जो है वो एक हमारे पंजाब में है और एक सिंध में है, आपस में बहुत बड़ा डिस्टेंस है इनका, लेकिन ये भी वी सेट के थ्रू आपस में कनेक्ट है। देखिए इसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस मैं लगाता हूँ 192.168.1.1.5, इसको मैं पिंग करके देखता हूँ 192.168.1.1.5,
ये अभी देखिए पिंग नहीं हो रही है। अब हमारी दूसरी साइड बंद पड़ी है, हमें पता ही नहीं है हमारे कॉन्फ़िगरेशन में मसला है, कोई इशू है। ये देखिए खड़ा हो गया एक जगह पे, स्टिल है, ये पिंग नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि आप इस ट्रंक को भी यूज नहीं कर सकते। अगर ये ट्रंक में इसको कैंसिल करते हैं, अगर ये ट्रंक में अभी चलाने की कोशिश भी करूंगा तो मेरी कॉल नहीं जाएगी इसके ऊपर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कॉल मिला के। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये नंबर है, मेरे पास आपको भी नजर आएगा नंबर यहाँ पे। अब ये देखें, ये कॉल जो है इस साइड पे जा ही नहीं रही, इसके ऊपर जा ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपकी ये ट्रंक रजिस्टर ही नहीं है, पिंग ही नहीं कर पा रही है साइड, तो ये नहीं चलेगी। लेकिन ये देखिए ये साइड चल रही है, इस बंदे ने यहाँ से कॉल की है, ये इस अवाया के ऊपर यहाँ से कॉल जा रही है। उम्मीद है कि आपको ये ट्रंक और आउटबाउंड राउट के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई करूंगा। और किसी किस्म का भी अगर इश्यू होता है तो मैं आपका इश्यू रिजॉल्व करवा दूंगा और वो वीडियो आपको मैं बना के फिर अपलोड कर दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, खुश रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल की जो चीजें हैं उनको शेयर करें ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे फायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज। Audio Jungle.